नमस्कार, मैं सुनील शास्त्री आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे चंद्रमा से रिलेटेड फलकों, चंद्रमा महादशा की, चंद्र की महादशा किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव करती है। हमारी कुंडली के अंतर्गत जब चंद्रमा की दशा आती है तो वो पूरे 10 साल तक स्थित रहती है, यानी कि किसी भी अगर ईयर में लगी है, मानव 2010 में अगर स्टार्ट हुई है तो पूरे 2020 तक वो महादशा जाएगी। तो चंद्रमा की दशा का इतना लंबा पीरियड है और उस पीरियड में चंद्रमा क्या फल देता है और किस प्रकार से, वो हम जानेंगे शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र से। ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है इस बारे में, आइए इसको सुनते हैं। ये दशा, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया कि जो मैं दशाओं के फल आपको बता रहा हूँ, ये महादशा चंद्रमा की जो दशा है, ये दशा लगभग सभी मनुष्यों पर इसका प्रभाव इसी प्रकार से है, लेकिन ये अच्छा कुंडली में अच्छा या बुरा होने के कारण जो है इसमें दशाओं में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या आगे पीछे इस प्रकार से जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विशेषकर लगभग यही फल सबके ऊपर सुचारू रूप से प्रभावित होगा। आइए जानते हैं। शास्त्र कहता है कि जब चंद्रमा महादशा जब 10 साल के लिए हमारे ऊपर आती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। सम्या विभूति बरवाहन क्षत्रयानम क्षेम प्रताप बलवीर्य सुखानि तस्य मिष्टान्न पान शयनासन भोजनानि चंद्रो ददाति धन कांचन भूमिलाभम चंद्रो ददाति धन कांचन भूमिलाभम। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है सम्या विभूति वरवाहन क्षत्रयान, जब चंद्रमा की दशा प्रारंभ होती है तो जो नॉर्मल हमारी जिंदगी चल रही है अभी तक जैसे चल रही थी, उससे कुछ विशेष हमें सुख प्राप्त होने लगते हैं। किस प्रकार से, अचानक से सभी काम जो है हमारे सब बनने लगते हैं, जो काफी सालों से रुके पड़े थे वो अचानक से जो है एक एक करके आपको खुद कॉल्स आ रहे हैं कि सर आपका काम इतने देर से अटका हुआ था और आपका, आप तैयार है, आप आके पेमेंट ले जाइए या ये आपका काम इस प्रकार से बना है। विभूत और ऐसे लोग आपके संपर्क में आ जाते हैं जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, जैसे कि आपने ऑफिस में कोई बात बोली और उस बात को लेकर के सभी आपका पक्ष लेने लगे, जी सर ने बहुत अच्छी बात कही है और इस बात पर ध्यान दिया देना चाहिए, और उसी बात को लेकर के आपका बॉस या सभी लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वाहन क्षत्रयान, अभी जो आपकी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी उससे कुछ बेहतर होने लगा है, और बेहतर ये होने लगा है कि आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलने लगा है, आपकी बातें जो नहीं सुनते थे वो अब पूरा ध्यान आपकी बातों पे केंद्रित कर रहे हैं, और एक राजा के समान, बोलते हैं ना राजयोग इसी कहते हैं, तो राजयोग के समान छत्र धरई, यानी सब प्रकार से जैसा आप चाहते वैसे ही चंद्रमा दशा आपको फल प्रदान करने लगे। क्षेम प्रताप बलवीर सुखानि तस्य, आपका क्षेम ऐश्वर्य बढ़ने लगा, आपकी कही बातों को, आपके किए हुए कर्मों को लोग जो है ध्यान करने लगे, हाँ जी उस व्यक्ति ने इस प्रकार से काम किया है, और आपका ऐश्वर्य अचानक से बढ़ने लगेगा। क्षेम प्रताप बलवीर सुखानि तस्य मिष्ठान्न पान शयनासन भोजनानि, अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं अचानक से उत्पन्न होने लगेंगी। जो जिस भी सुख की कामना आप मन में करेंगे वो सुख आपके समक्ष पैदा हो जाएगा, चाहे वो अच्छे खाने से रिलेटेड हो और विदेश तक की यात्रा आपकी हो सकती है। सुखा मेरे कहने का मतलब है किसी प्रकार का भी सुख, चंद्र से रिलेटेड कुछ भी, आपको मिष्ठान न पाना, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान, बहुत अच्छे अच्छे भोजन आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का मौका आपके पास आएगा, शयनासन भोजनानी, अच्छी अच्छी जगहों पर आप घूमेंगे, बहुत बहुत सुंदर कृतियाँ आप देखेंगे, संगीत में आपकी रुचि हो सकती है इसके अंतर्गत,
किसी सुंदरता से आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, सुंदर स्त्रियों का लाभ कर सकते हैं। भोजनानि चंद्रो ददाति धनकांचन भूमि लागम। और यदि आपके पास या ऐसे व्यक्ति जिसके पर महादशा चंद्रमा की चल रही हो, वो धनकांचन भूमि लागम, अनेकों प्रकार के हीरा मोती जवाहरात आदि या स्वर्ण चांदी और भूमि लाभ, विशेषकर भूमि का लाभ, मकान का लाभ आपका हो सकता है। मैं तो कहूँगा हो क्या सकता है, होगा ही, क्योंकि चंद्रमा की दशा जब आपकी चल रही है कंटिन्यू 10 साल के भीतर, आपको सभी प्रकार के जो भी आप कामना करेंगे वो सब आपको मिलेंगे। चंद्रो ददाति धनकांचन भूमि लाभ। इस प्रकार से यह चंद्रमा की दशा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को पूर्ण करने वाली होती है। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इसकी महादशा में या इसकी महादशा में और जब भी अगर चंद्रमा खराब हो तो स्त्रियों का सम्मान करें, विशेषकर जैसे माता, दादी, नानी, अपनी पत्नी, बेटी, इन सब का सहयोग करें, इनके लिए धन खर्च करें और इनको खुश रखने की विशेष जो भी आप कर्म कर सकते हैं वो करें, क्योंकि चंद्रमा इन सबसे प्रसन्न होता है। दूध भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चंद्रमा दशा फल है जो कि लगभग सबके ऊपर एक ही प्रकार से प्रभाव भी होता है। और अगले वीडियो में आपके चंद्रमा के बारे में आपको विशेष रूप से विश्लेषण आपको करेंगे। और आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को आप देखें, आगे भी और महादशाओं के फल आपको जो है विस्तार रूप से हम आपको बताएंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइबर जो बटन है उसे आप जरूर क्लिक करें और हमारे चैनल की वीडियोस को आप देखते रहें, ताकि आपको आगे भी कुछ नॉलेज हो सके दशाओं के बारे में कि आपको क्या दशा आने वाली है और आप उसके क्या उपाय आप कर सकते हो और किस तरह से उस दशा से बच सकते हो, या फिर अच्छी दशा आने वाली है तो आप उसके लिए कैसे, किस प्रकार से एक्साइटेड हो या आप कैसे लाभ ले सकते हो, इन सब का लाभ आपको और इन सब के बारे में ज्ञान मैं आपको शास्त्र से निकाल करके बताता रहूँगा, जिससे कि आप भी लाभान्वित होंगे और सभी जो वीडियो देखने वाले उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और आप देखते रहिए। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बताया, आप मेरे नंबर को नोट कर सकते हैं 9205574511। इस पर आप कॉल करके सीधा आप अपनी कुंडली के बारे में विशेष रूप से जान सकते हैं, माँ दशाओं का अच्छा बुरा फल या उसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, या रत्न विचार के रूप में भी आप इससे आप मुझे जान सकते हैं। विशेषतः यह तब तक के लिए राधे राधे, पुनः अगली वीडियो में बात करेंगे। राधे श्याम।